एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव बकरीजा खनन क्षेत्र से निकलने वाले पत्थरों से भरे ओवरलोड डंप पर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए यमदूत बने हुए हैं। आए दिन धोलेडा नारनौल रोड पर जगह जगह पत्थरों के ढेर लगे नजर आते हैं। यहां तक के स्कूल के बिल्कुल सामने मुख्य रास्ते पर भी पत्थरों का ढेर लगाने में डंपर संचालक कोई परहेज नहीं करते, जिसके चलते स्कूल में विद्यार्थियों को पहुंचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धोलेटा में आने वाली छात्राओं ने बताया कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल पहुंचती है। कई बार तो स्कूल जाते हुए ओवरलोड डंपर से पत्थर गिर जाते हैं और वो बाल बाल बची हैं। ऐसे में सरकार से गुहार लगाती हुई छात्राओं का कहना है कि सरकार या तो उनके लिए अलग से स्कूल में पहुंचने के लिए कोई रास्ता बनाए, या फिर इन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाए, या इनके लिए कोई अलग से रास्ता निकाले ताकि भयमुक्त माहौल में वो स्कूल पहुँच कर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। सर, जब हम स्कूल से आते हैं तो घर से आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, और हम बहुत सावधानी से इन्हें क्रॉस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बाल बाल बचते हैं और बहुत ही सावधानी से क्रॉस करना पड़ता है। रोड पर हर रोज़ पत्थर गिरे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, इसलिए हम बहुत भयभीत होते हैं तथा बहुत ही सावधानी पूर्वक आते हैं। सर, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसको ठीक करवाया जाए, और थोड़ी जो बच्चों के चलने की वो फुटपाथ है वो अलग किया जाए, इससे बच्चे सुविधाजनक घर पहुंच सके। सर, जब हम स्कूल में आते हैं तो इन ओवरलोड डंपरों से हम बड़ी ही मुश्किल से बचकर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, इनसे हम बाल बाल बच के आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्थर हमारे सामने गिर जाते हैं लेकिन हम थोड़ा बच जाते हैं, तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इन ओवरलोड डंपरों से हमें मुक्ति दिलाए, या इन ओवरलोड डंपरों के लिए अलग से रास्ता निकाले, या फिर हम बच्चों के लिए अलग से रास्ता निकाले जिससे हम सुविधाजनक हमारे स्कूल में पहुँचे और स्कूल से घर पहुँचे। हम जब स्कूल में आते हैं तो हमें जब ट्रक आते हैं बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें, और कभी कभी तो हम आते हैं तब पत्थर रास्ते में गिरे हुए मिलते हैं, वो कभी तो लगता है ये हमारे ऊपर गिर जाएंगे और हमारे साथ कुछ हादसा, हमारे साथ कभी कभी ऐसे हादसे हो भी जाते हैं, हम बाल बाल बचते हैं इनसे। हम ये मांग करते हैं कि हमारे लिए कोई अलग से फुटपाथ बनाया जाए ताकि हम सावधानीपूर्वक स्कूल पहुँच सकें। हम सर इन ट्रकों से ट्रैफिक से ऐसे डरते हैं कि जैसे यमराज आ रहे हो, और इनसे पत्थर 5-5 क्विंटल के पत्थर गिरते हैं, और हम तो लेकिन बड़े हैं पर छोटे बहन भाई है वे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम कहते हैं कि सर कि हम तो आ जाते हैं पर लेकिन छोटे हैं ना बहन भाई, उनको बहुत दिक्कत होती है, और बारिश में कीचड़ कीचड़ उछलता है। फील करते हैं कि अलग से हमारे लिए फुटपाथ बनाया जाए और इन ट्रकों के लिए अलग से रोड निकाल दिया जाए। धोलेटा स्कूल के इंचार्ज रमेश चंद ने बताया कि आए दिन ट्रक चालक पत्थर रोड पर खाली कर देते हैं, जिससे स्कूल में आने वाले बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो इस बारे में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब वो इस बारे में लिखित में भी शिकायत देंगे और प्रशासन से अपील की है कि इन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाए ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए। ये स्कूल के सामने रोज डंपर चले ओवरलोडिंग वाहन, इससे स्कूल के जो बच्चे हैं इनके लिए रोज खतरा बना हुआ है। इस विद्यालय में लगभग 400 के लगभग विद्यार्थी हैं जो रोज भयभीत होकर विद्यालय में आते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बच्चों के लिए भी और आम जन के लिए भी ये खतरा हो सकता है, इसलिए हमने प्रशासन से ये आग्रह है, निवेदन है कि इस पर कोई ध्यान दे, इस पर अंकुश लगाए, भारी जो वाहन है इन पर रोक लगाई जाए ताकि विद्यालय में बच्चों के हित को देखते हुए ये प्रशासन हमारा सहयोग करे। हमने कई बार वर्बली भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है और आगे हम लिखित में भी ये अवगत करा देंगे। आपको बता दें कि ये समस्या आज या कल की नहीं है, पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर इस क्षेत्र में काफी पुरानी समस्या है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है?
अब देखना ये होगा कि सरकार इन पर कोई अंकुश लगाने में कामयाब होती है या स्कूली बच्चों के साथ साथ आमजन को भी इस समस्या से यूं ही दो चार होना पड़ता रहेगा। सत्य खबर के लिए नागल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।